पहला राजन की पहली पुस्तक उसका 19 बाब 9 आयत अति 11 तो 13 आयत तक उथे पहुँच के वह एक गुफा विच रात कटन ले चला गया। पर अचानक प्रभु ने उसनु दसिया अति पुछया, एलिया तू की कर रहा है? प्रभु ने उसनु कहा, तू पहाड़ दी चोटी उत्ते जा के अपने सामने खड़ा हो। जदों ओ उथे खड़ा सी ता प्रभु उसके सामने दी लंघिया अते उसने एक भयंकर हनेरी कर ली जिस नाल पहाड़ पाड़ गए अते चटाना तिड़क गईयां। पर प्रभु उस हनेरी विच नहीं सी। हनेरी दे पिछों पुचाल आया पर प्रभु उस पुचाल विच भी नहीं सी। पुचाल दे पिछों अग आई पर प्रभु उस अग विच भी नहीं सी। हाँ, अग दे पिछों एक शांत निम्मी जही आवाज़ आई। जदों एलिया ने यह आवाज़ सुनी ता उसने अपना मुँह कपड़े नाल ढक लिया अते ओ गुफा दे बूहे अगे जा के खड़ा हो गया। तद एक आवाज़ ने उसनु कहा, एलिया तू इत्थे की कर रहा है? यह प्रभु दी बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। पाठ दूसरा, रोमियो दे नाम संत पौलुस दा पत्र उसका 9 बाब 1 तो 5 आए तक। मैं मसीह विच लीन हो के सच कह रहा हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हाँ। इस दे लई मेरा अंतकरण भी गवाह है जो पवित्र आत्मा दे अधीन है कि मेरे दिल विच अपने लोकां लई अत्यंत दुख अते पीड़ा हन। उन्हां अर्थात अपनी कौम दे लोकां दे भले लई तां मैं इह भी चाहुंदा हाँ कि परमेश्वर दा श्राप मेरे ते आ पवे अते मैं मसीह दी संगत तों दूर कीता जावां। यह इसराइली अर्थात परमेश्वर दे चुने हुए लोकी हन। उन्हां नूं परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया, उन्हां ते उसने अपनी महिमा प्रगट कीती, उन्हां दे नाल नेम भी बनिया, उन्हां नूं नेम शास्त्र भी दिता, उन्हां नूं अपनी आराधना करन वास्ते एक मंदिर भी दिता अते बहुत सारियां प्रतिज्ञावां भी दित्तियां। उन्हां ने ही आदि पुरखे सन अते मसीह दा भी शरीरक तौर ते इन्हां नाल ही संबंध है। परमेश्वर दी छत्र छाया हेठ सब हन, उसकी महिमा अनंत काल तक होवे, आमीन। यह प्रभु दी बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। संत मत्ती दी अंजील 14 बाब 22 आयत तों 33 आयत तक। फिर उसने चेलियां नूं किश्ती विच सवार करके उस तो अगे ते दूजे पासे घल दिता, जबकि वह आप लोगों नूं विदा करन लग गया। भीड़ नूं विदा करन दे बाद वह आप इकला ही प्रार्थना करन लई पहाड़ उत्ते चढ़ गया। जदों शाम हुई वह आप उत्थे इकला सी, पर उदों तक किश्ती किनारे तों काफ़ी दूर निकल चुकी सी अते समुंदर विचले लहरां दे थपेड़े खा रही सी क्योंकि हवा उन्हां दे खिलाफ सी। अते रात दे चौथे पैर वह चेलियां दे कोल समुंदर उत्ते तुरदा होया आया। जदों उन्हां ने यीशू नूं समुंदर उत्ते तुरदे वेख्या तां इह कहिंदे होए उन्हां दे होश उड गए, इह भूत है। वह डरदे मारे चीकां मारन लगे, पर उसने तुरंत उन्हां नाल बोलदे कहा, हौसला रखो, ये मैं हाँ, डरो नहीं। पतरस ने उसनु उत्तर दिता, प्रभु जी जेकर तुसी हो ता मैनू पानी उत्ते अपने कोल आउण दी आग्या दिओ। उसने कहा, आ जा। इसलिए पतरस किश्ती विच्चों निकलिया अते पानी उत्ते तुर के यीशू वल आया, पर जदों उसने तेज हनेरी वेखी तां डर गया अते जदों डुबण लगा तां उस उच्ची आवाज़ नाल आख्या, प्रभु मैनू बचाओ। यीशू ने फौरन अपना हाथ अगाह वधा के यह कहिंदे उसनू फड़ लिया, ए घाटी माण वाले तू क्यों शक कीता? जदों किश्ती विच चढ़ गए तां हवा थम गई।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ।